राम भाइयों, मैं आपका अपना परवी तलावत और आज हम आए हैं कुलताना गांव में। कुलताना गांव में यहाँ पे सम्मान समारोह जो है वो किया जा रहा है। एक लड़की है छात्रा स्वामी नित्यानंद स्कूल में, जो स्कॉलरशिप उसने जीती है और वो एक साल के लिए पढ़ाई के लिए अमेरिका में जाएगी। वहाँ पे उसका रहना खाना सब कुछ फ्री रहेगा। तो यहाँ पे जो आदमी इकट्ठे हो रखे उसके सम्मान समारोह में, वो 17 ब्राह्मण महासभा से जो उनके मतलब प्रधान जी हैं और उप प्रधान जी सारे जो आदमी हैं वो इकट्ठे हुए हुए हैं। तो बात करते हैं आप लोगों की, आ जाओ एक बार। राम राम जी, हमारे दर्शकों ने एक बार राम राम कर दो जी सारे भाई। राम राम। राम राम। क्या नाम जी आपका? मेरा डॉक्टर अश्विनी कुमार है जी नाम, और मैं गांव कुलताना से हूँ। आज हमारे यहाँ पे 17 खा ब्राह्मण महासभा के कार्यकारिणी आए हुए हैं, उनके प्रधान पंडित हेमचंद्र जी, उप प्रधान पंडित हेमचंद्र जी मदाना कला से हैं, उप प्रधान विनोद कौशिक जी दिमाणा से हैं, सेक्रेटरी रामतार जी गोच्छी से हैं, और जॉइंट सेक्रेटरी सुभाष जी लकड़िया से हैं, और मुकेश जी हमारे दिमाणा से ही प्रवक्ता हैं, और हमारे भाई विजय दीक्षित जी हैं कार्यकारिणी सदस्य कबूलपुर से। आज इस महासभा का हमारे गांव में पधारने का एक मेन मोटो ये था कि हमारे गांव की एक बिटिया जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुकात रखती है, उसने इंटर एक्सचेंज स्टडी प्रोग्राम के तहत स्कूलिंग के अंदर यूएसए में एक स्कॉलरशिप की सीट हासिल की है, और वो पूरे हरियाणा से एकमात्र कैंडिडेट है जो कि इस वर्ष प्लस वन की पढ़ाई करने के लिए यूएसए की तरफ। पूरे हरियाणा में एक ही सीट है, और पूरे भारत में हमारी 29 जो सीटें हैं वो यूएसए की रिजर्व थी, ठीक है, जिसमें से हमारी जो बेटी है हर्षिता जो कि कुलताना से है, उन्होंने वो सीट जो है वो चयन कर ली अपने लिए, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जो ये सभा जो है बैठी हुई है, 17 ब्राह्मण जो सभा है उनके उप प्रधान जी और कार्यकर्ता जो सारे हैं वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और कुलताना गांव के भी जो काफी जो लोग हैं वो भी उनके समारोह में आए हुए हैं, वो आपको हम दिखा देते हैं। तो इनका जो प्रधान जी का फोन आया कि भाई हम हर्षिता बिटिया का सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जब बेटे तो बहुत नाम कमाते हैं, हमारे जैसे बैकग्राउंड से जब बेटी आगे बढ़ती है तो समाज को एक नई दिशा मिलती है, और ब्राह्मण महासभा उस चीज में और एक आहुति डालने का काम कर रही है, जिससे आने वाले समय में हम भी अपनी बेटियों को और भी समाज हमारी बेटियों से प्रेरणा लेके आगे अपनी बेटियों को आगे पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। तो पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था आप लोगों को कि जो ब्राह्मण सभा के जो उप प्रधान जी और प्रधान जी और कार्यकर्ता हमारे पास पहुंचे थे बराना गाँव में, ठीक है, उन्होंने बताया भी था कि हम जो गरीब बेटियां हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी शादियां भी करा रहे हैं, और जो पढ़ने में असमर्थ हैं गरीब परिवार से जो ताल्लुकात रखते हैं उनको कापी पेन और स्टेनरी का जो भी सामान है जो भी मतलब पढ़ाई में यूज होता है वो दिला रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी आप मुहिम आपने जो स्टार्ट करके, प्रधान जी से बात कराते हैं आपके। नमस्कार जी। सेक्रेटरी राम अवतार जी, 17 खाप ब्राह्मण महासभा में सचिव। बिल्कुल, हमारा ये उद्देश्य है जी, समाज को कैसे आगे लाया जाए, किस प्रकार हम शैक्षिक उन्नति कर सकते हैं, किस प्रकार से आर्थिक सहायता कर सकते हैं अपने समाज में, बल्कि सर्व समाज के लिए हमारी यही प्रयत्न है, और सभी भाइयों से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। बिल्कुल जी, ये जो 17 ब्राह्मण महासभा जो जिसका बार बार जिक्र वीडियो में हो रहा है, वो किसी एक मतलब जाति से नहीं है, वो समस्त जो जातियों से, 36 बिरादरी जो जातियां हैं हमारी उनको एक साथ लेके जो मुहिम जो स्टार्ट करी गई है, ठीक है। तो बात कराते हैं आपकी शास्त्री जी से। राम राम शास्त्री। राम राम भाई साहब। भाई साहब, बड़ा ही खुशी का दिन है आज, जो हमारी बेटी अर्षिता पढ़ाई के अंदर पूरे हरियाणा का, कुलताने का नाम नहीं, पूरे हरियाणा का नाम, हरियाणा का नाम रोशन किया है, और ऐसी ऐसी हम 36 बिरादरी की जो हमारी बेटी है बेटे हैं उनसे हम यही प्रार्थना करते हैं, जैसे हमारी हर्षिता बेटी ने करके दिखाया है, एक माँ बाप का, एक पूरे गांव का, पूरे हरियाणा का जो सीना चौड़ा होने की बात है, हम सभी बच्चों से यही प्रार्थना करते हैं इस चैनल के माध्यम से कि भाई जैसे हमारी संस्था से जो मदद होगी हम आधी रात न तैयार पावांगे, और जैसे भी दुख की घड़ी में सुख की घड़ी में हम 24 घंटे खड़े रहेंगे, और हम जैसे आजकल का ये माहौल है, एक हमारी बेटी ने इन जो नौजवान बच्चों हैं उनको दिखा दिया, जो ये फोन के माध्यम से 24 घंटे फोन में बच्चे लगे रहते हैं, हमें बड़ा चिंता थी कि बच्चे सारे
फोन के अंदर एक ऐसा हो गया कि भाई फोन के बगैर रह ही नहीं सकते, लेकिन हाँ। हमारी हर्षिता बेटा ने ऐसा करके दिखाया है कि बहुत ऊपर उठ के इस गांव का, पूरे हरियाणा का जो नाम रोशन किया है। सभी बच्चों से मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप भी इस फोन फान और टीवी टावी को छोड़ के पढ़ाई पे जितना भी आप फोकस रखोगे, उतना ही हमारे देश का, हमारे हरियाणा का, हमारे गांव का, हमारे जो उसके माँ बाप हैं उनका सीना चौड़ा होगा, यही हमारी विनती। शास्त्री जी ने बहुत ही अच्छी बात जो है वो कही है। हमारे जो आज के जो बच्चे हैं वो एक फोन में ही सीमित रह गए हैं, ठीक है। तो ये आपकी बात करते हेमचंद जी, नमस्कार जी। प्रधान जी हेमचंद जी, एक बार जी राम राम करते हमारी दर्शन। राम राम जी सभी भाइयों को। आज हम कुलताना गांव में आए हैं। अरिश्ता बेटी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके पढ़ाई में बहुत अच्छा ही वो कराया है उसके सम्मान के लिए। और हमारी जो 17 ब्राह्मण सभा है उसको एक साल हो गया। 11 अप्रैल को ये चुना गया था और 22 अप्रैल को मेरे को शपथ दिलाई थी। उस दिन से हम लग रहे हैं, जिस भी गांव में हमने पता चले है, अभी गरीब की बेटी, किसी की भी बेटी हो या बेटा हो, खेल का आया हो या पढ़ाई में हो, जो भी जो काम अच्छे काम कर रहा है, हमारे पास मैसेज जाता है तो हम सम्मान के लिए जाते हैं। 36 बरादरी में किसी की भी बेटी बेटा हो, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं, सहयोग करते हैं, ठीक है। तन मन और धन तीनों चीजों से हम उनके साथ हैं हर प्रकार से, ठीक। ये बड़ा खुशी का माहौल है। आज गांव में भी आए हैं, गांव के भी काफी भाई बैठे हैं, मिले हैं, ठीक है। हाँ, हम बिटिया के साथ, आगे से बिटिया के साथ हैं। जिस भी हमारी मदद, बिटिया को तन मन और धन तीनों चीजें हमारी उसके साथ है। हाँ, धन्यवाद। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आप जैसे लोगों की जो इस समाज को बहुत ही जरूरत है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब आप लोग आगे आओ और मदद कर सकते हो आप लोग भी किसी भी गरीब परिवार की, किसी भी गरीब बेटी की, ठीक है। तो बात कराते हैं आपकी। राम राम जी भाई साहब। राम राम भाई। डॉक्टर मुकेश जी। डॉक्टर मुकेश दत्त नाम है मेरा। 17 ब्राह्मण महासभा का प्रेस प्रवक्ता हूँ। प्रेस प्रवक्ता जी। आप जी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जी? संदेश मैं ये दे रहा हूँ जी कि आज जो एजुकेशन के मामले में हमारी बिटिया ने परचम लहराया है, यूएसए की जो स्कॉलरशिप है उसमें पूरे हरियाणा में इनका स्थान प्रथम आया है और चयनित हुई है ये, तो ये एक सौभाग्य की बात है। मैं सबसे पहले जो शुभकामनाएं भाई संदीप है और गुड़िया की जो माँ है गीता, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे होनहार बच्चे को जन्म दिया है जिसने पूरे कुलताना गाँव का, पूरे हरियाणा का और पूरी 36 बिरादरी का मान सम्मान बढ़ाया है, तो जिससे हमने बहुत गर्व की बात है। आज हमारा सीना है ना गर्व से चौड़ा हो गया है कि भाई गीता जो इनकी माता जी हैं और संदीप ने जो फादर हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है। बिल्कुल जी। अब आप लोगों के बीच में जो है हमारी बेटी हर्षिता है वो भी पहुंच चुकी है, तो हम हर्षिता से भी आपकी जो बातें कराएंगे। नमस्कार जी, आपका नाम जी? हर्षिता। हर्षिता, बिल्कुल जी, आपने मतलब स्कॉलरशिप जो है जो यूएसए की वो जीती है, तो आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि गांव के एरिया में किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए ऐसी स्कॉलरशिप जीतना बहुत ही खुशी का बात होगी। तो आप अमेरिका में जो है पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, तो आपको कैसा लग रहा है? अभी इंडिया में मेरे को लगता है कि यूएसए डेवलप्ड कंट्रीज में आता है, तो इंडिया कहीं ना कहीं एजुकेशन के मामले में भी यूएसए से पीछे रह रहा होगा, तो मुझे लगता है मैं यूएसए जाकर इंडिया से कहीं बेहतर नॉलेज वहां पे ले पाऊंगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी आपने बात बोली है। तो आपके जो इतना आपने मुकाम जो हासिल किया इसके पीछे किसका जो सबसे बड़ा हाथरा है? वो कोई भी हो सकता है, आपका टीचर भी हो सकता है, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन कोई भी हो सकता है, तो उसका एक आदमी का नाम आपको बताना है वो बता दीजिए। वो मेरे टीचर्स और पेरेंट्स, फैमिली, सभी का सपोर्ट और मोटिवेशन होता है बच्चे के साथ, बट मेरी पूरी फैमिली ने ही मेरे को सपोर्ट, टीचर्स हमको गाइड करते गए और उन गाइडलाइंस को फॉलो किया। तो मेरी फैमिली और टीचर्स ने मेरे एक इम्पोर्टेंट प्ले किया। बिल्कुल, बहुत अपने बात बोली है। तो मतलब जो नित्यानंद जो स्कूल है उसके बारे में आप सबसे बेस्ट जो बात है वो क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, स्वामी नित्यानंद हमारे एरिया का सबसे बेस्ट स्कूल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के लिए हर एक
फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि स्कॉलरशिप। किसी भी एक गरीब परिवार के बच्चे को नहीं लगता कि मैं ऐसी स्कॉलरशिप ले पाऊंगा, और सारे स्कूल्स में स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता, बट स्कूल और भी ज्यादा, जैसे कि जापान जाने की स्कॉलरशिप वैसे की बहुत सारी हैं, तो हमारा स्कूल ऐसी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाता है, तो वो फीचर मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, बहुत। तो आप यूएसए में अभी जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे तो इंग्लिश में सारा सब कुछ रहेगा, तो इंग्लिश तो आपकी परफेक्ट है या नहीं है, उसके कुछ आप लाइन इंग्लिश में कुछ भी आप सुना सकते हैं? लाइक व्हेन वी हैव टू स्पीक इंग्लिश, सो वी डोंट नो दैट बट वी हैव टू स्पीक, बट इफ एनीवन से दैट यू हैव टू से ऑन अ रैंडम टॉपिक, सो थॉट्स ऑटोमेटिकली केम इन आवर माइंड एंड वी जस्ट स्टार्ट सेइंग। बहुत अच्छी इंग्लिश, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा बेटा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हमारे चैनल के दर्शकों से सभी से ये मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारी जो बेटी है हर्षिता, उसको आप कमेंट सेक्शन में जाके आशीर्वाद भी दे सकते हैं, और यहाँ पे आप कुलताना गांव में आके भी आप इनको आशीर्वाद दे सकते हैं, और इनको शुभकामनाएं दो कि हमारी बेटी जो है वो अच्छे से पढ़े और आगे हमारे जो कुलताना गाँव का, हमारे हरियाणा का और हमारे भारत का जो नाम है ऐसे ही रोशन करती रहे। धन्यवाद। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। से देखो कितना मान सम्मान दिया है। हमारी जो इस कार्यक्रम की चीफ गेस्ट है हमारी बेटी हर्षिता शर्मा, और इनके दादाजी, इनकी दादी, इनके माता पिता और समस्त कुलताना गांव 17 ब्राह्मण महासभा के प्रधान हेमचंद्र कौशिक जी, उप प्रधान विनोद शास्त्री जी, सचिव राम अवतार जी, विजय जी, भाई सुभाष और समस्त 17 ब्राह्मण महासभा की कार्यकारिणी के सदस्य, आज जो हमने खुशी का एक आभास हो रहा है कि भाई हमारी बेटी अब एक मध्यम वर्ग से जो उभर का आई है, मिडिल फैमिली से जो उभर का आई है, आज मैं उस खुशी को ना अपने शब्दों में ले नहीं पा रहा कि क्या कहूं और क्या ना कहूं। इतनी खुशी हो रही है कि बस बार बार बिटिया ने है ना शुभकामनाएं देता रहूं। हमारा बच्चा आज इस मुकाम पर पहुंचता है तो बहुत बड़ी बात है, और ये सभी बेटियों के लिए भी और बेटों के लिए भी एक आदर्श का रूप इसने धारण किया है कि इसको देख कर आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो आज बच्चे स्कूल में हैं, वो इसको देख कर आगे भी इतनी मेहनत करके और इतनी ही तैयारी करेंगे और आपका और हमारा और पूरे समाज का नाम रोशन करेंगे। मैं पंडित विनोद शास्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे आए और अपने दो शब्द कहे। विनोद शास्त्री जी, आदर व मान सम्मान के योग्य मेरे कुलताना वासियों, मेरे जो चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, भाई हैं, नौजवान साथी हैं, और हमारे जो प्रधान जी हैं हेमचंद्र जी, जो हमारी समस्त ब्राह्मण सभा कमेटी है, आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि इस कुलताना गांव में आने का अवसर मिला, और हमारी जो हर्षिता बेटी ने जो शिक्षा के इतना पूरे हरियाणा का जो नाम रोशन किया है शिक्षा में, तो हमारा सौभाग्य है कि कुलताना गांव में हमारे को यहां आने का मौका मिला है। और हम अपनी बता नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बता दिया, आप लोगों ने बताया है कि अंदर से जो है ना एक प्रेम या आंसू जो छलकते हैं कि भाई जो बेटी ऐसा काम करती है तो माँ बाप का, पूरे गाँव का जो नाम रोशन होता है कि आप बयान नहीं कर सकते, खुशी के मतलब आंसू छलक जाते हैं। तो मैं ज्यादा हा नहीं कहूंगा, एक हाथ जोड़ के मेरे को विनती है आप लोगों से, सभी भाइयों से, और जो मेरे ये बच्चे आए हैं नौजवान भाई, जैसे हमारी बेटी ने ये नाम रोशन किया है, आप लोग भी अपने माँ बाप का अच्छे काम करके, समाज का भला करके नाम रोशन करो, क्योंकि हमने तो सारा जीवन कोशिश यही करेंगे कि भाई जो भी जीवन है कि समाज के लिए लगा देंगे, 36 बिरादरी के लगा देंगे, लिए लगा देंगे, क्योंकि जहां भी 36 बिरादरी का भला होता होगा, जो समाज का भला होता होगा, वहां हम खड़े पावांगे भाई।
रही दूसरी बात कि बेटी का बार बार धन्यवाद करते हैं, ऐसी बेटी बड़ी ही परिश्रम से, बड़ी ही मेहनत से, परमात्मा के आशीर्वाद से ऐसी बेटी प्राप्त होती है। सब चाहते हैं, हम भी चाहते थे हमारा कोई बेटी हो, लेकिन हमारे सौभाग्य में नहीं थी। लेकिन हम इन बच्चों से, ये हमारी बेटी है, ये नहीं है वही दूसरे की है, तो इसलिए मैं बार बार यही आप लोगों से, नौजवान बच्चों से ये कहता हूँ कि भाई पढ़ाई पर फोकस करो, पढ़ो, ये सारी चीज सुख सुविधा सब कुछ मिलेगी अगर पढ़ोगे तो, और नहीं पढ़ोगे ना तो ये दो दिन की है फिर कुछ नहीं मिलेगा, धक्के खाने हैं गलियों में, नाम रोशन होगा आपका। जैसे 17 ब्राह्मण महासभा यहाँ उठ कर आई है ना बेटी के सम्मान के लिए, ऐसे ही बच्चों को एक टीस होनी चाहिए, जो छोटे नौजवान बच्चे हैं इनको भी थोड़ा ये होना चाहिए कि भाई हम भी ऐसा काम करें कि भाई हमारे लिए भी कोई समाज में उठ कर आए और ऐसे ही भगवान से कामना करें। तो भाई इन फोन फाना का छोड़ो और हमारे सनातन धर्म को भी बढ़ावा दो, क्योंकि राष्ट्र अगर है, सनातन धर्म है तो राष्ट्र है, अन्यथा नहीं है, ये भी आपने पता होगा। क्योंकि बच्चों को कई बार हम जाते हैं बम्बई कलकत्ता तक जाते हैं, आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं उन्होंने हमारे सनातन धर्म के बारे में भी ज्ञान नहीं है, ये नहीं पता ब्रह्मा कौन था, विष्णु कौन था, शंकर कौन था, हनुमान कौन था, ये सच्चाई है, कड़वा सच है। जो बच्चे 26 दिन पढ़ते हैं, लेकिन सनातन धर्म के बारे में भी बच्चों को आगे लेके आओ कि भाई प्रथम सेवा माँ बाप की, माँ बाप का कहा मानो, माँ बाप का कहा मानोगे तो आगे बढ़ोगे। ये बेटी जो है हमारी हर्षिता, ये माँ बाप के आशीर्वाद से आगे चली, गुरुजियों के आशीर्वाद से आगे चली, तो ऐसे ही आप अपने माँ बाप का कहा मानोगे। और भाई मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, एक और है, कोई भी धर्म का कार्य होता है, कोई भी जैसे हनुमान जन्म उत्सव होता है, ऐसे ही एक 23 तारीख ने हमने ये संकल्प लिया है कि 36 बिरादरी हमारा परशुराम भगवान जन्म उत्सव आ रहा है, 23 तारीख को हम मना रहे हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी ये विनती है, 36 बिरादरी साथ मिलकर करेंगे, कोई भी कार्य होगा, किसी भी प्रोग्राम होगा, 36 बिरादरी साथ मिलकर करेंगे और समाज के लिए ही काम करेंगे। धन्यवाद। जगह परावर जो हमारे 16 किले पिछली सरकार ने भी, सरकार ने भी, और सरकार काफी कोशिश कर रही है कि भाई हम समाज, पूरा समाज, ये 36 बिरादरी एक ना हो पाओ, लेकिन उनको हमने ये दिखाना है कि भाई हम 36 बिरादरी एक साथ है, हमारा समाज एक साथ है, और 23 तारीख को समाज पूरा इकट्ठा होकर परशुराम जन्म उत्सव मनाएगा, और आप सभी आना भाई, हाथ जोड़ के विनती है मेरी। धन्यवाद। कपिल प्रधान जी, कपिल प्रधान जी दतौड़ से हैं, वे बिटिया का मान सम्मान कर रहे हैं, समिति के मेंबर हैं, मान करें हर्षिता का। हाँ, पूरी पूरी फैमिली है, दादा दादी, माता और पिता, चाचा, इन्होंने इतनी मेहनत की है। बोलू 17 ब्राह्मण महासभा की पूरी कार्यकारिणी बिटिया हर्षिता का एक सम्मान पत्र देकर और 5100 रुपए देकर इसका मान सम्मान करी है। अब हमारे 17 ब्राह्मण महासभा के प्रधान हेमचंद्र कौशिक जी हैं, वे अपने विचार रखेंगे, बिटिया को आशीर्वाद देंगे। आदर और सम्मान के योग्य पिता समान बुजुर्गो, हम उम्र के भाइयों और प्यारे बच्चों, आज खुशी का इतना माहौल है, हमारी बेटी ने, हर्षिता ने नंबर 1 पर आकर हमारे हर चीज को बढ़ा दिया। ऐसे ही सभी बच्चों से प्रार्थना है, जितने भी पढ़ते रहेंगे उनका हम ऐसे ही मान सम्मान करते रहेंगे, और सारा समाज, 36 बरादरी आपके साथ है बेटी। आपने कभी किसी चीज को माँ बाप पर निर्भर मत सोचना, अब सारा समाज, सारा 17 और सारा हरियाणा बिटिया के साथ है। महीनी शब्दों के साथ, ये गैर राजनीतिक संगठन है हमारा, ना हम किसी राजनीति में, हमने अपना बना रखे है, हम अपनी मर्जी से करेंगे जो करें। और हम बिटिया को दोबारा एक बार और मौका मिला, बिटिया वहां से पढ़का अमेरिका से, फिर हम और बड़ा सम्मान बिटिया का करें। मैं बिटिया से अनुरोध करूंगा, घबराना नहीं,
तेरे दादा दादी तेरे साथ, लेकिन हम भी तेरे दादा दादी ला गए, हम भी तेरे साथ है, तन मन और धन तीनों चीजों से भी किसी चीज में उल्टे नहीं हटेंगे बिटिया से। समाज में और भी कहीं के बिटिया बेटा जो भी है सबके लिए हम तैयार हैं, इसलिए यो एक संगठन बनाया था। अगर हर भाई को बराबर उठा के लावे, किसी को पीछे नहीं छोड़े, गैर राजनीति संगठन यो मैंने पहले कह दिया, भाईचारे का संगठन है ना किसी उसमें है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूँ। तो अभी आपको हम जो हर्षिता बेटी है अपनी, उनके दादा दादी से मिलवाते हैं और उनके माता पिता से भी मिलवाते हैं, उनसे पूछते हैं उनके विचार, उनकी बेटी जो है विदेश में जो है पढ़ने के लिए जा रही है, तो कैसा लग रहा है उनको पूछते हैं। राम राम दादाजी, दादी जी राम राम, हमारे देश का राम राम करते हैं एक बार। राम राम भाई, राम राम। आपकी जो पोती दूसरे देश में पढ़ने के लिए जा रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? भाई बहुत खुश हूँ मैं, मेरे एक बड़ा हाथ का आता थे, मेरी बेटी ने सब बड़ा काम कराया, बिल्कुल हम बहुत राजी हैं। अरे बेटा हमने अच्छे संस्कार दिए है मेरी बेटी तो, बिल्कुल घर में खुश सुख शांति से इसने अपनी खबात करी है, बेटा हम बहुत खुश हैं, तारा आशीर्वाद रहे, इसका सफलता हो, इसको वहाँ जाए तो इसने सफलता मिले, कुछ न कुछ ले कर आए या खोकर नहीं आए। दादाजी आपको मतलब आपकी पोती विदेश में जा रही पढ़ने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत खुश हूँ जी, बहुत खुश हूँ जी। इनके दादा दादी जी बहुत खुश हैं, अभी मिलवाते हैं इनकी मम्मी से और पिताजी से। ठीक है, नमस्कार जी, हमारे दर्शक ने राम राम कर दो जी। नमस्कार जी, कैसा लग रहा जी आपकी जो बेटी विदेश में जा रही है पढ़ने के लिए? बेटा आप भी आ जाओ इधर, आप भी आ जाओ। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बेटी ने ऐसा काम किया और आपका ये बहुत सम्मान करती हूँ मैं, आप मेरी बेटी ने ऐसा बहुत ही अच्छा काम किया, मैं बहुत खुश हूँ और मैं ऐसा चाहती हूँ यूएसए जाने के बाद मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा कुछ सीख के आए। राम राम जी भाई साहब, और आप सभी का आशीर्वाद। बिल्कुल, क्या नाम जी आपका? मेरा नाम संदीप कौशिक। आपका क्या नाम है जी? गीता। गीता जी, तो ये इनके माता और पिता है, सब घर में बहुत खुश है, बेटी जो है दूसरे देश में पढ़ने के लिए जा रही है, तो आप भाई साहब थोड़ा कितना खुश है, क्या खुश है बताओ? भाई खुशी का तो बस अंदाजा ही नहीं है, बिल्कुल इतनी खुशी है। आपकी बेटी ने जो है हरियाणा में मतलब पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है, पूरे आपके गांव का नाम रोशन किया है, तो उसके लिए हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको बधाई देते हैं, आपको भी बेटा बधाई देते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, इसी के साथ अपनी जो बात को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, धन्यवाद। ठीक है।